मध्य प्रदेश में नव नियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह के बाद बुरहानपुर में उन्हें बधाई देने के लिए लगाए गए पोस्टर चर्चा की विषय बन गए हैं। यह पोस्टर लगाए तो यादव समाज के लोगों ने ही है, लेकिन इस पोस्टर में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव की मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ चर्चा करते हुए तस्वीर को भी हाईलाइट किया गया है, जिससे इस पोस्टर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस इस पोस्टर के किसी भी सियासी मायने से साफ इनकार करती नजर आ रही है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव भी इस तस्वीर में दिखाई दे सकते हैं। दरअसल शहर में कांग्रेस नेता और बुरहानपुर नगर निगम में सभापति अनीता यादव के पति अमर यादव द्वारा यह पोस्टर चस्पा किए गए हैं। उनका कहना है कि यादव समाज के गौरव के रूप में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए यह पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लधवे ने कहा कि अब मुख्यमंत्री किसी भी दल के नहीं बल्कि सभी के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा कोई भी उन्हें बधाई दे सकता है। उधर कांग्रेस ने भी इस पोस्टर पर बीजेपी की तरह अपनी प्रतिक्रियाएँ दी है। कांग्रेस का कहना है कि यादव समाज के होने से यादव समाज द्वारा उनको बधाई देने का पोस्टर लगाया गया है। अब हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी बन गए हैं, और अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो मुख्यमंत्री सबके हैं। और शहर में यदि कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस के नेताओं के साथ वो फोटो लगे हैं, वो सामाजिक हिसाब से हो सकता है लगाए हो, उनके समाज के है इसलिए लगाए हो, लेकिन मुख्यमंत्री सबके हैं। और पोस्टर यदि लगाया तो सबने लगाना चाहिए, मुख्यमंत्री अब अपने मध्य प्रदेश के हो गए हो तौर पर लगाया गया है, क्योंकि हर समाज में एक परंपरा होती है कि अगर कोई सामाजिक व्यक्ति किसी उच्च पद पे पहुंचता है तो समाज के लिए हर्ष का और गौरव का विषय होता है। इसी तारतम्य में ये पोस्टर बुरहानपुर शहर में लगाया गया है, और मैं आपके माध्यम से हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आज शपथ ली है और आपके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है, वो काफ़ी चर्चा का विषय है। चर्चा इसलिए हो रही है कि उसमें पीसीसी अरुण यादव और पूर्व मंत्री सचिन यादव जी का फोटो है। क्या संदेश है? ये संदेश है कि आज